हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के एक और नए ब्लॉग में। तो अभी फिलहाल हमें पुरुलिया रोड में, पुरुलिया रोड रांची, तो यहाँ काफ़ी हरियाली है, सब तरफ पेड़ पौधे हैं, हरा भरा लग रहा है। इसलिए तो आप लोग से भी रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाएं। और आज मेरे साथ है मेरे कॉलेज का यार सिकंदर, थोड़ा तो सकल दिखा दो यार, तो हाय बोल दो, मैं स्मार्ट हूँ। तो अभी हम लोग फिर से जा रहे हैं कॉलेज काफ़ी दिन के बाद। हाँ, अभी हम लोग संजय कॉलेज की ओर जा रहे हैं। अभी हम लोग संत एनी के पास हैं। यहाँ पे हम लोग हमेशा चाट और डुस्का खाया करते थे, और अब जाके खाएंगे वापस कॉलेज से आते टाइम। और हम लोग यहाँ फिलहाल तो लोयला सेंटर के पास पहुँचे हैं, ट्रेनिंग सेंटर है, तो वहाँ पे जाके बहुत सारा चीज़ का ट्रेनिंग होता है, वहाँ जाकर आप ट्रेनिंग कर सकते हैं। अभी हम लोग उर्सलाइन इंटर कॉलेज के पास पहुँच गए हैं, वहाँ की जगह है कभी। अभी यहाँ से करीब 100 कदम की दूरी पे हम लोग का कॉलेज है, जेवर कॉलेज, वहाँ पे कुछ काम है, उसके बाद वहाँ से देखते हैं फिर कहाँ जाना है। और बारिश भी लगता है धीरे धीरे होने लग रहा है, तो लगता है कि बारिश तो आज जाने नहीं देगा। आज नहीं, हो गया। तो हम लोग फाइनली कॉलेज आ चुके हैं। हम लोग का ये पुराना कॉलेज है, मतलब कॉलेज नया हो चुका है पहले से, लेकिन फिर भी हम लोग के लिए पुराना है। उस तरफ हम लोग को बाथरूम है, पीछे जूम करना है गाड़ी के पीछे। हाँ चलो, ये कॉलेज का मेन बिल्डिंग ग्रेजुएशन का, और ये हम लोग का कॉन्फ्रेंस हॉल है, यहाँ पे किसी प्रकार का कॉन्फ्रेंस होता है। और ये इंटरमीडिएट का बिल्डिंग है, इंटरमीडिएट क्लास इस तरफ होता है, तो हम लोग क्लास पहले इधर चलता था, है ना सिकंदर? एकदम एकदम। लेकिन हम लोग क्लास करते नहीं थे क्या सिकंदर? एकदम। और ये हम लोग का साइड है, इसको हम लोग लवर्स पॉइंट बोलते थे, अभी पता नहीं कौन सा पॉइंट बोला जाता है। जिस तरह से यहाँ पे लोग किताब खोल के बैठे हैं, लगता है अभी इसको स्टडी पॉइंट बोलते हैं। और ये पुराना चर्च है, पुराना तो अभी तो नया है, मतलब हम लोग का टाइम नया था ना, अभी तो पुराना हो गया ना, तो बहुत अच्छा है चर्च। तो अभी हम लोग, ये हम लोग का पुराना हॉस्टल है, ये आप लोग पीछे देख सकते हैं, ये वाला हम लोग हॉस्टल है। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे लाल किला है ना, जब हम पहली बार आए थे तो हमको लग रहा था लाल किला यही है, सोचते थे। उसके बाद क्या दिखाएंगे, और वहाँ हम लोग का ग्राउंड है, क्रिकेट ग्राउंड, जिसमें हम लोग क्रिकेट मैच जीते थे, तो हम लोग फाइनल हार गए थे, हालांकि फिर भी काफी अच्छा एक्सपीरियंस था। तुम्हारा 50 मारा था तुम? नहीं, 50 थोड़ी मारे थे, हम सेमीफाइनल में मारे थे। अच्छा, सेमीफाइनल में? अच्छा, फाइनल में कौन हम मारे थे? नहीं नहीं नहीं, वो तो अमित मारा था ना, हम लोग का बंदरू था शायद, या चूक गया था ना, लेकिन फिर मैन ऑफ द मैच तुम्हें को मिला, क्योंकि तुम 3 विकेट लिया था ना। पुराना ग्राउंड प्रोग्राम वहाँ पे होता है। और ये मेन बिल्डिंग है, और ये हम लोग का, ये पीछे जो बिल्डिंग देख रहे हैं ना आप लोग, जब लोग हम लोग पहली बार यहाँ आए थे तो वहाँ पे हम लोग क्लास होता था, और ये यहाँ पे ग्राउंड है। पीछे स्टेज नहीं था, वो स्टेज अभी स्टेज बन गया है। और यहाँ पे हम लोग फुटबॉल मैच तो हार गए थे, सेमीफाइनल तक भी नहीं पहुँच पाए थे। थोड़ा थोड़ा बारिश होने लग रहा है, और वो देख रहे हैं आप लोग, वो हम लोग का लाइब्रेरी है, यहाँ से बुक इशू करना होता है, और रीडिंग रूम यहाँ है। तो क्या बोलेंगे, हाँ तो एग्ज़ाम डिपार्टमेंट में यहाँ से सर्टिफिकेट मिलेगा। वैसे टाइम तो हो गया है, अब कुछ देर वेट करना पड़ेगा। तो हम लोग को क्लास होता था इस तरफ, उधर वहाँ पे हम लोग बाइक और साइकिल पार्क करते थे, और सिकंदर तो कार से आता था ना, तुम तो कार पार्क करता था ना इधर, में क्या करते थे कार? अच्छा, ये हम लोग का ओल्ड बिल्डिंग, यहाँ पे इंटरमीडिएट का क्लास होता था। तो ये हम लोग का यहाँ पे लैब है, केमिस्ट्री लैब, आप अभी भी देख सकते हैं, यहाँ बच्चे लोग प्रैक्टिकल कर रहे हैं। इधर है हम लोग का कैंटीन, यहाँ पे हम लोग हमेशा क्लास बंक करके आते थे ना। कौन सा क्लास बंक करते थे? केमिस्ट्री का ही क्लास ना।
टोकन तो पहले भी हम लोग नहीं कटाते थे। तब तक के लिए ब्लॉग को पॉज करते हैं, तब तक में आप लोग मजा लीजिए। कॉलेज का ब्लॉग, आपको ये ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। अगर ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट में अगर आप इस कॉलेज से हैं तो प्लीज़ कमेंट में अपना मेमोरीज शेयर कर सकते हैं आप लोग। आज के ब्लॉग में इतना ही, थैंक यू।